राज कपूर के बारे में आप जानते ही हैं कि एक फिल्म निर्देशक वो थे जिन्होंने रशिया में अपने इंडियन कल्चर के झंडे गाड़े थे, और वडोदरा में एक ऐसे डायरेक्टर हैं, और अब वो हैं एक बहुत ही यानी डायरेक्टर से आगे निकल चुके हैं, और उन्होंने रशियन पीपल को हिंदू धर्म के पाठ पढ़ाने शुरू किए हैं। तो वो क्या कहते हैं इस बारे में, वो जानते हैं। राज कपूर साहब से की जो आपने बात की, और एक तरह से परोक्ष रूप से आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इसके काबिल नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन दिग्दर्शक रहे हैं, और उन्होंने जो किया है वो तो शायद दोबारा कोई कर पाए वो नामुमकिन सी बात है। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि वो एक प्रेरणा स्रोत रहते कि एक ऐसे देश में जो हमारी भाषा नहीं समझते, जो अंग्रेज़ी नहीं जानते, वहाँ पे कोई कुछ काम कर सकता है। ये मैं डेफिनेटली कहूँगा कि राज कपूर साहब की सक्सेस ये प्रेरणा तो ज़रूर देती है मुझे कि जो भाषा का जो बैरियर होता है वो मैं तोड़ पाऊँगा, और काफ़ी हद तक मैं तोड़ पाया हूँ। क्योंकि देखो, सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि हमारे संवाद में गुरु और शिष्य दोनों उस भाषा में बात करते जो उसकी मातृभाषा नहीं है। क्योंकि मेरी मातृभाषा गुजराती है, तो उनकी रशियन है, और हम दोनों बात करते हैं अंग्रेजी में, लेकिन फिर भी अच्छा कम्युनिकेशन हो पाता है। तो शायद ये मैं कहूँगा राज साहब की प्रेरणा है कि कहीं पे भी किसी भी जगह पे ऐसा महसूस नहीं होता है कि रशियन लोग हमारी भाषा नहीं समझेंगे तो क्या होगा। स्पिरिचुअल लैंग्वेज तो ह्यूमन लैंग्वेज है, और वो तो आई थिंक यूनिवर्सल है, तो सभी को समझ में आती है, અને એટલે જ અલગ અલગ લેંગ્વેજીસના લોકો પણ એમની પાસે અહીંયા શીખવા આવે છે। હિન્દુઇઝમ અને વેદ વિશે એમને ખૂબ જ જ્ઞાન છે, અને લોકો એમની પાસેથી શીખીને, અમુક તો એવા પણ છે જે લોકો હિન્દુઇઝમ આખો અંગીકાર કરી લે છે। અભી અભી જૈસે હમને બાત કી તો બતા રહે થે જૈસે શ્રી યોગેશ્વરજી, ઓર ઉન્હોને બતાયા કી હમ જો ધર્મ કી બાતે સિખાતે હૈ, और रशिया से कहीं कहीं जगह से उनके पास जो लोग आते हैं उनको वो क्या सिखाते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। इनको आप क्या हमारे धर्म की ही बातें सिखाते हैं या स्पेशल कुछ टिप्स देते हैं? आपको बताऊं तो जिसे हम हमारा धर्म कहते हैं उसको वास्तविक रूप में देखा जाए तो सनातन धर्म कहा जाता था। सनातन दैट इज यूनिवर्सल रिलीजन। सनातन धर्म इसलिए कहा जाता था कि इसमें जीवन का हर पहलू है, जिससे चार जो प्रमुख पुरुषार्थ गिने गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीवन के किसी भी पहलू को अछूता नहीं रखा गया। तो एक जीने का तरीका है, वो हमारा धर्म है। अब जो स्पेशल प्रीचिंग की बात है, वो सबसे बड़ी बात है कि मैं इनको कहता हूँ कि आप कुछ मेरी ओर से कोई डोंट्स नहीं देता हूँ। आई नेवर गिव देम एनी काइंड ऑफ डोंट्स, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, नो दिस इज़ नॉट राइट। मैं सबसे बड़ी बात इनको ये सिखाता हूँ कि आप अपने हमारे हमको बनाने वाला जो है उसकी ओर देख के एक बार सोच लो कि मैं जो करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, क्या वह उसे पसंद आएगा, क्या वह उसे एक्सपेक्ट हमसे ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता है वो। अगर आपका मन हाँ कहता है तो बेशक करो, चाहे आपको शराब पीने जो भी करना है, मैं ना नहीं कहूँगा, लेकिन आप सबसे पहले यह प्रश्न अपने आप से पूछ लो। और आपको ये बताऊँ, नतीजा ये आता है कि ये लोग जो ऐसे देश में आते हैं जहाँ शराब को एकदम ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो तापमान होता है -20 डिग्री तक पहुँच जाता है, ये लोग अपने आप शराब पीना छोड़ देते हैं, नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। इसमें कहीं पे भी धर्म के नाम पे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मत करिए, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। ये अंतरात्मा को जानने का, समझने का एक प्रयास होता है, जिसकी वजह से होता है। दूसरी बात जो मैं मेजर सिखाता हूँ कि रोज़ थोड़ा समय अपने आप को दो, अपने आप को समझने के लिए दो, क्योंकि आज की भागा दौड़ी की ज़िंदगी में हम अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और आप देखोगे तो पूरे 24 घंटे में हम अपने आप को 10 मिनट भी नहीं दे पाते हैं। धर्म, हम धर्म किसे कहते हैं? सिर्फ श्लोक बोले जाएं, सिर्फ पूजा की जाए, जी नहीं, ये तो धर्म है ही है, मगर हकीकत में अगर हम मानते हैं ना, तो किसी का दिल ना दुखाया जाए और अपने आप को समझा जाए, सही में इसे धर्म कहते हैं। और सही में इसे हिंदू धर्म की जो हम परिभाषा कहते हैं, तो ये एक ही लाइन में अगर हम बताना चाहें तो बता सकते हैं, शायद सही है ना ये? ये बिल्कुल सही है। ये भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं हर कोई प्राणी मात्र में मेरा ही अंश रहा हुआ है,
मैं ही हूँ जो सर्वव्यापक हूँ, हर जगह पे मैं हूँ, और इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। तो यदि हम इसे समझ पाएंगे तो हमारे मन में किसी के भी प्रति वैर नहीं रहेगा, हम सबको प्यार करना वास्तविक रूप में समझ सकेंगे।